70,000 रुपीज की ऑप्शन ट्रेनिंग में भी आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी आज की इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऑप्शन चेन की एडवांस एनालिसिस, ऑप्शंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए, 100 से 500 करोड़ बुक्स मैनेज करने वालों की प्रक्रिया क्या रहती है, वो क्या देखते हैं, क्या ऑप्शन बायर कभी पैसा बनाता है या फिर सिर्फ ऑप्शन सेलर ही बनाता है, ऑप्शन सेलिंग के एक्चुअल में फायदे क्या होते, कौन सा ऑप्शन टूल यूज करें, ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज करें और करेंसीज मार्केट में कैसे भौचाल मचाया है कुछ ट्रेडर्स ने, ये सब अगर जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हमारे साथ होंगे हमारे मित्र आबिद हसन जो कि सेंसिबल के सीईओ हैं और अगले एक आवर में आपको जो इनक्रेडिबल नॉलेज मिलने वाला है वो आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगा। तो इस कंटेंट को एंड तक कंज्यूम कीजिए, नोट्स बनाइए, एक पेन पेपर लेके बैठिए बिकॉज बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इस वीडियो में काफी सारे सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। तो चलिए केक खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आबिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। हाय अभिषेक, वेरी हैप्पी टू बी हियर। अमेजिंग। मैं एक कन्फेशन करता हूँ पहले, ठीक है जी। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैंने लाइफ में कभी यू नो टिल द एज ऑफ 25 हिंदी नहीं बोला, बट आपने बोला है आपका मेजोरिटी ऑडियंस इज हिंदी स्पीकिंग, तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। इट माइट कम अक्रॉस आउटराइट फनी, बट या मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस यू नो वीडियो में मैं जितना हो सके उतना हिंदी में ही बात करूंगा। आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छी शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं एंड ऑडियंस बिकॉज ही हैज ऑनेस्टली कन्फेस्ड दिस थिंग, सो दिस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग कि भाई जिनको पहली लैंग्वेज इनकी हिंदी नहीं है वो खुद हिंदी बोल रहे हैं, तो इस बात पे लाइक तो जरूर बनता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और सीखने जो भी मिले तो बिल्कुल कीजिएगा। तो चलिए अपन सीधे मुद्दे पे बात करते हैं आबिद जी। आज हम ना सीखने की कोशिश करेंगे आपसे ये ऑप्शन चेन का पूरा माजरा, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड ये ऑप्शन चेन होता क्या है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, एक ऑप्शन प्लेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन शेयर करें, मेरा आपसे एक सवाल है ऑप्शन चेन के रिलेटेड, क्या सही में ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट है? एक मान लीजिए मैं हमारा कोई ऑडियंस से बोलता है कि यार मेरे को एक फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर बनना है, आज नहीं 4-5 साल बाद मेरे को बनना है, तो डू यू रियली थिंक ऑप्शन चेन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन? तो अभिषेक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको क्यों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन के बारे में देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन आउट देयर, कि आधे लोग बोलते हैं कि ये देख के ट्रेड करो, ये मत देख के ट्रेड करो, कोई ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताता कि कब ऑप्शन चेन यूज कर सकते हो और कब नहीं। तो मैं पहला बड़ा हेडलाइन आपको पहले से ही दे सकता हूँ, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो तो ऑप्शन चेन से आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। आप काफी पैसे बना सकते हो ऑप्शन चेन से। बाकी स्टॉक्स में थोड़ा डिपेंड करता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा डिपेंड करता है, बट अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो जी और निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो, एक्सपायरी वीकली ट्रेड करते हो या फिर फ्यूचर ट्रेड करते हो और आप ऑप्शन चेन नहीं देखते हो, देन आप एक काफी बड़ा पिक्चर मिस कर रहे हो, ठीक है। तो मैं डेली मार्केट एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा हल्का सा ट्रेड इधर उधर कर लेता हूँ। अब मेरे को ये लगा है कि बिना ऑप्शन चेन देखे डिसीजन रीच करना, मतलब आप ठीक है, आप क्या क्या देख के ट्रेड कर सकते हो, एक चार्ट देख के ट्रेड कर सकते हो, एक आप डेटा देख के ट्रेड कर सकते हो जो बाहर है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 50-60% तो चार्ट ही है, ठीक है। आप बिना चार्ट देख के आप सिर्फ FIA का डेटा देखते हो या फिर ऑप्शन चेन देखते हो, ऐसे तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि फंडामेंटल चीज तो चार्ट ही है, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि 60% तक चार्ट से आप व्यू बना सकते हो, लेकिन बाकी जो 40% है वो काफी डिपेंड करता है मार्केट पार्टिसिपेंट डेटा और ऑप्शन चेन के ऊपर। और निफ्टी में जो है ये ऑप्शन चेन काफी चलता है, आईड से दैट 8-9 out of 10 times ऑप्शन चेन हमेशा चलता है निफ्टी में, 8-9 out of 10 times ऑप्शन चेन निफ्टी में तो चलता ही चलता है। स्टॉक्स में चलता है कि नहीं वो थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे आगे जाके, लेकिन ऑप्शन चेन बिना देखे निफ्टी ट्रेड करना इज जस्ट बिजार, वो आपको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको ऑप्शन चेन एटलीस्ट निफ्टी के लिए तो आपको पता होना ही चाहिए। सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। तो व्हेन यू से इट इज इम्पोर्टेंट, डू यू से कि इवन बिग प्लेयर्स जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल, आर दे ऑल्सो यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग? बिकॉज आई एम श्योर हमारी ऑडियंस क्यूरियस होगी जानने के लिए। या तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, तो आई यूज्ड टू ट्रेड, मतलब मैं एक दो इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेड करता था फास्ट में, सब लोग देखते ऑप्शन चेन, तो निफ्टी, अगेन निफ्टी में सब लोग देखते, बाकी स्टॉक में कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, अगर कोई भी चीज में सीरियस एक्टिविटी हो रहा है तो
उसमें बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं और लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। जी अब काफी ज्यादा लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें सेंस बनता है कि आप देखो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब कुछ दस बिल्कुल बीस लोग ही कुछ कर रहे हैं और हल्का सा ऑप्शन चेन है, थोड़ा बहुत है। मतलब आप ये पहले ये देखो कि अंडरलाइंग स्टॉक में कितना वॉल्यूम है, अब उसके कंपैरिजन में ऑप्शन चेन उतना बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मतलब कौन ही ट्रेड कर रहा है, राइट? जैसे कि अगर आप सोचो एलेम्बिक फार्मा करके स्टॉक है, अब उसका ऑप्शन कोई ट्रेड नहीं करता, ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा है, तो लोग छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। बट आप सोचो निफ्टी, ठीक है, 88% रफली लास्ट टाइम आई चेक ऑफ इंडियाज ट्रेडिंग वॉल्यूम इज हैपनिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस, राइट? इसका मतलब ओके सब यही ट्रेड कर रहे हैं, और बिल्कुल इंडेक्स में जैसे कि आप जानते हो स्पॉट नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब फ्यूचर से काफी ज्यादा ऑप्शन ही ट्रेड होता है निफ्टी में, तो स्पॉट और फ्यूचर के कंपैरिजन में निफ्टी में ऑप्शन का वॉल्यूम काफी ज्यादा है। अब इसका ये मतलब बना कि हर कोई ऑप्शन ही ट्रेड कर रहा है। अब हर कोई ऑप्शन ही ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये बना कि बड़े लोग भी ऑप्शन ही ट्रेड कर रहे हैं। अब जब बड़े लोग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा ऑप्शन ही ट्रेड कर रहे हैं, एफआईआई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, डीआईए ये उतना नहीं करता, एफआईआई हेज फंड प्रॉप डेस्क सब ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देखोगे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? भले मैं भी एफआईआई हूं तो मुझे भी देखना, तो अगर मैं मॉर्गन स्टैनली हूं मैं तो देखूंगा ना कि बॉस गोल्डमैन क्या कर रहा है। बिल्कुल तो इसलिए बड़े लोग भी देखते हैं, हमें भी देखना चाहिए, हमें हर 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 किसी को ऑप्शन चेन देखना ही चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर है कि बड़े लोग भी देख रहे हैं, हर जो बंदा सीरियस है इस प्रोफेशन को लेके, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, वो तो ये चीज़ देखता है। तो फिर हम देरी किस बात की लगा रहे हैं अविद जी? मैं आपको दस इसको स्टेज इज ऑल योर्स तो नहीं बोलेंगे, बट द स्क्रीन इज ऑल योर्स कहेंगे। एंड हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा स्क्रीन के थ्रू अगर आप थोड़ा समझा सकें कि ये कैसे होता है ऑप्शन चेन में, हमको क्या देखना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करें, तो आई लव टू नो दिस थिंग, लर्न लर्न फ्रॉम यू। यस ठीक है, तो मैं आपको पहला चीज बेसिक बताता हूं, ठीक है। अब मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेंट हैं, एक होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन यूज करके कैसे मार्केट का डायरेक्शन गेस, क्योंकि देखिए पहली चीज ये है कि ये ग्रीक्स देखना, रिस्क मैनेजमेंट देखना, ये सब ठीक है, ठीक है, बट इससे पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है मार्केट का डायरेक्शन गेस करने से। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन मैं कैसे गेस कर सकता हूँ, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे गेस करें, और वो भी ऑप्शन चेन के थ्रू। ठीक है, अमेजिंग। बट बिफोर इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा एक सेकेंड, मैं थोड़ा स्टॉप भी कर लेता हूं, ठीक है। तो ओके जिससे पहले आप स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है, वाह जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज हमेशा 100% ऑफ टाइम काम नहीं करता। ये अगर आप ट्रेडर हो, ये चीज तो आपको लाइफ में मान के चलना है कि यार 100% ऑफ द टाइम ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो काम करता है। चार्ट भी नहीं है, ऑप्शन चेन भी नहीं है। अगर आप गोल्डमैन ऑफिस के अंदर जाके उनका बैक ऑफिस फाइल निकाल रहे हो तो भी वो 100% नहीं काम करता, ठीक है। ओके अब और अगेन इंपॉर्टेंट चीज, एक या दो नंबर देख के आपको ट्रेड नहीं करना। आपको ऑप्शन चेन काफी बुलिश लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट पड़ो कि बॉस मेरे को समझ में आ गया मार्केट कहाँ जाएगा, मैं कुछ ओके करता ठीक हूं, है वो भी आपको नहीं करना। ठीक है अब एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्शन चेन तब काम करता है जब ऑप्शन चेन में काफी एक्टिविटी है। मतलब छोटा ऑप्शन चेन, कम लिक्विडिटी वाला स्टॉक का ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन जिसमें कुछ एक्टिविटी हो नहीं रहा है, जैसे कि आप अगर दिसंबर 2022 का ऑप्शन चेन अभी देख के ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वो कोई नहीं ट्रेड कर रहा, ठीक है। ट्रेड ओके तो उसी चीज को देख के करो जिसमें बाकी सब लोग ट्रेड करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉस हमें आइडिया नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन जो भी ओके बड़ा आदमी ट्रेड कर रहा है, इंस्टीट्यूशन वगैरह, उसको आइडिया है। तो ओके अब देखो हम उनको आउटस्मार्ट तो नहीं कर सकते, चलो बिल्कुल कम से कम उनका कॉपी कर देते हैं। ये ठीक है अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि वो उसको पता है बस वो क्या कर रहा है, मेरे को उसका सिर्फ कॉपी करना है। दिस इज द ठीक है अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन चेन। मेरे को आइडिया नहीं है क्या होगा, मैं देखूंगा उसको क्या पता है, और मैं वो रिप्लीकेट कर दूंगा। तो अब ओके उसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां पे ज्यादा एक्टिविटी नहीं है तो कोई बड़ा आदमी वहां ट्रेड नहीं कर रहा, तो छोड़ ठीक है देगा, वो देखता ही नहीं ओके है। ठीक जैसे कि है मार्च 2022 है, जून 2022 है, कुछ छोटा स्टॉक का ऑप्शन चेन है, ये सब नहीं देखता। ठीक है अब ओके आइडियली आप दो तीन चीज एक साथ देके ट्रेड करो,
एक चार्ट देख के ट्रेड करो, उसके साथ आप ऑप्शन चेन के डेटा को सुपरइम्पोज करो। और अगर आपका कुछ अगर अलग सिस्टम है, टेक्निकल्स है, आरएसआई है, आप अगर एफआईआई डेटा देख रहे हो, मतलब मैं बोलूंगा अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, 50% तो चार्ट ही है, 30% रफली ऑप्शन चेन है, 20% एफआईआई डेटा है। ठीक मतलब है। ये कभी कभी वेरी करता है बट रफली रफली राइट। ओके अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक ऑप्शन काफी आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। ओ ओके जितना जितना कम लिक्विडिटी उतना आसानी से वो मैनिपुलेट होगा। सो आपने स्टार्टिंग में जैसे एक एलेम्बिक फार्मा का दिया था, तो इट कैन बी इजीली मैन्युपुलेटेड, राइट? नहीं वो लिक्विडिटी। स्टॉक का नाम तो नहीं बोलना अच्छा, सो चाहूंगा सॉरी। अच्छा, वो ऊपर कैसे है? तो जैसे स्टार्टिंग में आपने किसी एक बट स्टॉक का मेंशन किया था, तो उस हिसाब हाँ से जिसमें लिक्विडिटी कम है, इट कैन बी इजीली मैन्युपुलेटेड। करेक्ट। अगर आप मतलब कुछ छोटा सा कंपनी है उस पे प्रमोटर का 50% होल्डिंग है, प्रमोटर और ऑपरेटर मिला के, तो वो भगा सकता है ठीक है। अब ओके लेकिन आप आईसीआईसीआई को गेम नहीं कर सकते, आप एसबीआई को गेम नहीं कर सकते, टीसीएस कोई गेम नहीं कर सकता, निफ्टी तो कोई गेम कर ही नहीं सकता, मतलब आप समझ रहे हो सो इन दिस ना। केस डू यू रेकमेंड कि अगर किसी को करना है अगर स्टॉक पे, तो निफ्टी 50 वाले पे ही थोड़ा स्टिक करे, दैट इज बेटर, मैं कोर निफ्टी पुरान? 50 भी नहीं बोलूंगा, मैं निफ्टी 20 बोलूंगा। मतलब ओके 50 में जाके तो आपको फिर भी एक दो हाँ, स्टॉक ऐसा मिल यस जाएगा जिसमें यस है ही नहीं। मतलब मैं बोलूंगा सबसे बड़ा वाला मार्केट कैप 10-15 स्टॉक लो, उसमें तो सारे बड़े लोग हैं, सब एक मतलब काफी एक्टिविटी है। और ऐसा नहीं है कि जिस टीसीएस जैसा कोई स्टॉक जिसमें इतना सारा मार्केट कैप है, इतना कम प्रमोटर होल्डिंग है, इतना पब्लिक होल्डिंग है, एफआईआई होल्डिंग है, उसमें जाके कोई अंधेरी वेस्ट में बैठ के ऑपरेटर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जी तो मैं निफ्टी और मे बी द टॉप 10 स्टॉक्स आर प्रिटी सेफ अगर आप डेटा देख रहे हो ठीक है। ओके तो या आई वुड फिल्टर माय यूनिवर्स, क्योंकि आप ट्रेडर हो ना, आपको आपको मतलब एज आयरोनिक एज इट साउंड्स, ट्रेडर को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, जितना स्टड ट्रेडर है उन सबको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। अब आप ओ छोटे स्टॉक में जाके ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गैम्बल कर रहे हो, आप प्रेडिक्टेबली रिस्क रिवॉर्ड देख के नहीं ट्रेड कर सकते हो। तो राइट उसमें क्या होता है कि एक बड़ा मूवमेंट आ गया छोटा स्टॉक में, आपका पूरा कैपिटल गया। और अगर आप सीरियस ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठे, आपका सीधा कैपिटल प्रिजर्वेशन रहे। तो बड़े स्टॉक जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, जो लिक्विडिटी ज्यादा है, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन आप जितना जितना आप छोटा छोटा स्टॉक में जाते रहोगे उतना आपका एक ट्रेड में पूरा अकाउंट बस्ट होने का चांस बड़ा होगा। तो जितने भी बड़े ट्रेडर मैंने देखे, सो फॉर एग्जाम्पल ऑल द इंस्टीट्यूशन राइट, जैसे कि मेरा प्रॉप डेस्क था लॉन्ग टाइम बैक, आईएफएल के लिए हम लोग प्रॉप करते थे। द ओनली स्टॉक वी यूज्ड टू ट्रेड वाज एसबीआई, अदरवाइज आवर बिगेस्ट बुक्स वर ऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड यूएसजीआई। वाओ वाओ तो एसबीआई कभी कभी इन्फी टीसीएस वगैरह, लेकिन इफ यू कम टू अस एंड से कि बॉस चलो आज मारुति में कुछ करते हैं, वील जस्ट से कि बॉस लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में, आप क्या करोगे। तो थोड़ा वो था सीन। ऑफ बीट क्वेश्चन, ये जो प्रॉप्स या जितने भी थे आपके टाइम पे या अभी भी हैं, इनके बुक्स कितने करोड़ के होते होंगे अंदाजन? डिपेंड्स। मैं मतलब एक दोस्त था मेरा, मेरे मेरे साथ मतलब वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, तो ही डज एन एचएफटी फॉर एग्जांपल राइट। मतलब मैं इस टाइम बताता हूँ क्योंकि 2011-12 में जब मैं ट्रेड करता था उस टाइम पैसा भी नहीं था उतना इंडिया में, मतलब किसके पास पैसा था राइट। बट एट दैट टाइम 2011-12 में हमारा ट्रेडिंग कैपिटल वाज रफली 100 करोड़ इन मार्जिन। बट दीज डेज आई एम नॉट सरप्राइज इफ आई सी एचएफटी फंड्स इन इंडिया इजिली डूइंग 500 करोड़ इन मार्जिन। ओह वाओ ओके इनफैक्ट ग्रेट फन फैक्ट राइट, द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक अराउंड 8% ऑफ निफ्टी ऑप्शंस लिक्विडिटी इन द मार्केट कम्स फ्रॉम हिज डेस्क, 8% कमिंग फ्रॉम लाइक अ अरे थ्री बाप बीबी। रे, व्हाट आर यू सेइंग? हम तो ट्विटर पे देखते हैं, एवरीवन सेज मैं ऑप्शन चेन बना रहा हूँ, 4% मैं लेके आ रहा हूँ, बट वी नो द रियलिटी. बट इट्स ग्रेट या बट ग्रेट एचएफटी इज रन द शो राइट। अमेजिंग. अगर कोई आदमी मतलब जितने टाइम में हम एक ट्रेड डालते हैं उतने ट्रेड टाइम में ये लोग शायद 10 बार इन आउट भी कर चुके होंगे। ओह वाओ, हार्डकोर भैया. दीज आर एचएफटी, तो इनके लिए तो मतलब इट्स जस्ट मैकेनिकल, आराम से हो जाता है, राइट? तो या ओके बट या एनीवे सो बेसिकली रीकैप, सिर्फ बड़े स्टॉक देखो आप। आइडियली अगर आप मेरे से पूछोगे सिर्फ निफ्टी करो ठीक है, मतलब आपको करना है करो, आप अगर बिगिनर हो तो सिर्फ निफ्टी में रहो, और सिर्फ नियर वीक एक्सपायरी या नियर मंथली मतलब अगर आप December 1st में हो तो आप December 30th का ऑप्शन चेन मत देखो, December 7th ओके का देखो। ठीक अगर आप है. December
ट्वेल्थ में हो तो दिसंबर 16th का ऑप्शन चेन देखो, 30th का मत देखो, 23rd के बाद आप 30th का देखो। वीकली जो आ रहा है ऑप्शन चेन वो सबसे रिलायबल है, मंथली हल्का सा है बट वीकली ऑप्शन चेन सबसे ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि अगेन एवरीबडी एल्स इज ट्रेडिंग इन वीकली, ठीक है। राइट? सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट? सो डूज एंड डोंट्स वेरी सिंपल, ट्रेड ओनली निफ्टी एज मच एज पॉसिबल एंड ट्रेड लुक एट ओनली वीकली ऑप्शन चेन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑप्शन चेन होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये रहा कि मान लीजिए अभिषेक वॉन्ट्स टू सेल निफ्टी, मतलब अभिषेक को लग रहा है कि यू नो ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप आपको आपको लग रहा है निफ्टी गिरेगा, तो आप मेरे पास आके बोलते हो कि बॉस मेरे को एक पुट ऑप्शन बेच दो 17,000 का। ठीक है, अब आपने एक पुट ऑप्शन ले लिया, इसका मतलब है मुझे आपको बेचना पड़ेगा, बिल्कुल, तो एक पुट आपका मेरे तरफ से एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ओके, एक बायर और एक सेलर जब एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता है उसको बोलता है ओपन इंटरेस्ट। गॉट इट। अब इसका मतलब यह हुआ कि कोई बाय कर रहा है जैसे कि अभिषेक, राइट? बट उसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभिषेक बायर है, मतलब अगर आप निफ्टी 17,000 पुट भी देखोगे दिसंबर वीकली का, उसका प्राइस क्या है, कुछ रफली 200 रुपए, राइट? मतलब 10,000 में आप ये खरीद सकते हो, ओके, गॉट इट। बट मेरे को बेचना है, इसका मतलब ये है कि 1.5 लाख टाइप मुझे मार्जिन रखना है, अच्छा, सेलर को मार्जिन देना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अब ये इसमें पॉइंट ये बना कि अगर अभिषेक बायर है और मैं सेलर हूं, अब स्ट्रेट अवे एक चीज तो मतलब इसमें ऑब्वियस है कि अभिषेक सिर्फ 10,000 रुपए उड़ा रहा है ऑप्शन पे, लेकिन मैं 1.5 लाख मार्जिन डाल रहा हूं। ओके, अब प्रोबेबली प्रोबेबली इसका मतलब ये निकला कि मेरे पास अभिषेक से ज्यादा पैसा है, ठीक है। Yes. अब इसमें ये भी एक मतलब आ गया कि मेरे पास ज्यादा रिस्क है, कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन है रिस्क लेने का, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बॉस 17,000 से नीचे तो जाएगा ही नहीं निफ्टी, लेकिन अभिषेक सिर्फ बोल रहा है यार मैं कुछ 10,000 रुपए उड़ा के आई एम ट्राइंग टू गेट लकी, बट आई एम सेइंग दैट बॉस शायद ये 16,000 भी जाएगा, मेरा कट जाएगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं बेचूंगा 17,000 फुट, तो मेरा कन्विक्शन ज्यादा है, मेरे पास मार्जिन भी ज्यादा है, शायद जिस बिकॉज मेरे पास मार्जिन है 1.5 लाख, प्रोबेबिलिटी ये है कि मेरे पास अभिषेक से ज्यादा पैसा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभिषेक के पास सिर्फ 10,000 है, मेरे पास 1.5 लाख है। ठीक अब है। ये ज्यादा पैसे वाले लोग नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओके, और इंस्टीट्यूशंस जो है उनको यूजुअली पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए जब भी आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो आपको दिखता है कि एक सेलर है एक बायर है, आपको ये मान के चलना है कि जो आदमी सेल कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन है और चांसेस ये है कि वो सही होगा, ओके, गॉट इट। मतलब ये हुआ कि अगर कॉल पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो आप अपन एक ऑप्शन चेन लेंगे तो आपको दिख रहा है कि 17,500 पे बहुत ज्यादा कॉल खड़ा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, दिखाता हूं आपको वो कैसे दिखता है, ठीक है, लेकिन अगर 17,500 पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब इसका मतलब ये निकला कि कोई बोल रहा है कि बॉस 17,500 क्रॉस नहीं करेगा, बहुत ज्यादा ज्यादा इंस्टीट्यूशंस ये आके बोल रहा है कि बॉस 17,500 तो क्रॉस होगा ही नहीं, ठीक है, अब आपको अब ये देख के आपको चमकेगा कि बॉस 17,500 पे इतने लोग बोल रहे हैं ऊपर नहीं जाएगा, ये सब इंस्टीट्यूशन है, शायद वो सही है, मेरे को भी ये मान के चलना है कि 17,500 टूटेगा नहीं, राइट। तो ये अंडरलाइन प्रिंसिपल है। अब हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन चेन देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड स्क्रीन। तो इसके लिए हम लोग सेंसिबल पे जाएंगे, सेंसिबल का एक फ्री ऑप्शन चेन है, ओके, तो ये है ऑप्शन जी, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कलर का बार्स दिख रहा है, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, बिल्कुल, राइट? अब ये आपको बताता है कि कितने लोग ये कॉल पे खड़े,
ठीक तो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 56 लाख क्वांटिटी कॉल पे लोग हैं। मैं थोड़ा अपना फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, या दैट वुड बी बेटर, या तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 57 लाख क्वांटिटी है, यहाँ पे 45 लाख क्वांटिटी है। बिल्कुल। तो इसका इफेक्टिवली मतलब ये हुआ कि कोई दबा के 1700 बेच रहा है और बोल रहा है कि बस 57 लाख क्वांटिटी में बेच ही दूंगा क्योंकि मेरे को कोई डर नहीं है इसके ऊपर जाएगा। क्योंकि मतलब वो सेवेंटी 17,000 से 17,300 के कॉल्स बेचे जा रहा है, राइट? हाँ, क्योंकि ओके, उसको उतना डर नहीं है कि उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, और 17,200 पे 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उसको नहीं लग रहा है कि बस 17,200 तो नहीं टूटेगा, मैं बेच दूंगा कॉल। ओके अब यहाँ पे ओके। आप देखोगे तो 17,000 पे भी लोग खड़े खड़े हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि बस मुझे नहीं लग रहा है कि ये नीचे जाएगा तो मैं भी बेच देता हूँ पुट। ठीक है, इफेक्टिवली ऑप्शन चेन ये दोनों लोगों के बीच का एक टसल है। ये लोग बोल रहे हैं ऊपर नहीं जाएगा, ये लोग बोल रहे हैं नीचे नहीं जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि जितने लोग बोल रहे हैं ऊपर नहीं जाएगा वो इससे काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 37 है, यहाँ पे 45 प्लस 56 प्लस 31 काफी ज्यादा है। और अगर आप नीचे देखोगे 16,800 पुट, 16,700 पुट, वहां पे लोग खड़े नहीं है। 16 लाख बिल्कुल, है, 15 लाख है, 12 लाख है, बहुत कम है। लेकिन आप ऊपर देखोगे 30 लाख, 30 लाख, 45 लाख, 56 लाख, मतलब हर कोई आराम से बेच रहा है कॉल, उसको किसी को डर नहीं है कि ऊपर जाके मेरा नुकसान होगा। तो ये आप ऑप्शन चेन से इन्फर करोगे कि यार कौन सा लेवल नहीं टूटेगा बोल रहे लोग। तो राइट, मैं आपको ये एक टोन बना रहा है कि जो बड़े लोग हैं वो बेरिश टाइप के हैं अभी फिलहाल के, जो हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं, राइट? हाँ, तो ये पेज फ्री है। मैं आपको एक दूसरा पेज दिखाता हूँ जिसमें ये थोड़ा अच्छा और ज्यादा अच्छे से मतलब फोकस करके आप देख सकते हो, क्योंकि ठीक है, उसमें प्राइजेस काफी ज्यादा है। ओके अब ये देखिए, आप इसमें काफी यू नो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ओके जितने या भी लाल लाल टावर्स खड़े हैं और यहाँ पे ग्रीन टावर्स नहीं खड़े हैं, तो कॉल ऑप्शन लाल में है, यहाँ पे पुट ऑप्शन ग्रीन में। तो आप यूजुअली आप सोचोगे कि बॉस नहीं, कॉल तो अच्छा वाला ऑप्शन है, कॉल खरीदोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, तो आप कॉल को क्यों रेड में। लेकिन राइट पॉइंट ये कि आपको ऐसे पर्सपेक्टिव में नहीं देखना, आपको उल्टा देखना है कि सेलर की पर्सपेक्टिव से। कॉल ओके अगर कोई बेच रहा है उसका मतलब ये है कि मार्केट गिरेगा। आपको ये नहीं देखना है कि कॉल खरीद रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, आपको सोचना है कि कॉल बेच रहा है तो मार्केट गिरेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो बेचता ही है ऑप्शन। ओके ओके तो आप देखो यहाँ पे बड़ा टावर, यहाँ पे बड़ा टावर, यहाँ पे बड़ा टावर, यहाँ पे बड़ा टावर, यहाँ पे लाल लाल टावर्स खड़े हैं यहाँ पे 17,000 के ऊपर, लेकिन 17 के नीचे कुछ नहीं है। 17,000 एक बार टूट गया मतलब अब मान लीजिए मार्केट खलास, मतलब जैसे कि ये ऑप्शन अच्छा, चेन बता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, ठीक है, मैं हाँ बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कि ऑप्शन चेन में होगा, प्रॉब्लिटी है इस चीज की। ओके है, मतलब एटलीस्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से तो काफी है। और आप ये भी देख सकते हो, राइट, टोटल कॉल्स का नंबर है वाओ, मार्केट में सेवेंटी ओके टू मिलियन और ठीक पुट्स का है। नंबर है सिर्फ 35 मिलियन। तो ये हमको ये बता रहा है कि 71.6 मिलियन मतलब ज्यादा कॉल्स बेचे गए हैं एज कंपेयर टू पुट्स, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, ओके ओके। और कॉल्स बेचे गए हैं इसका मतलब वो बेरिश है, कॉल खरीदना बुलिश होता है, बेरिश होता है बेचना। ओके, करेक्ट इंस्टीट्यूशन बेचते हैं। ओके करेक्ट। अब एक और चीज आप ये भी देख सकते हो कि इन वाओ, वो डेली ओके एक्शन भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब फ्राइडे को ये एक ओपन इंटरेस्ट चार्ट है जो बताता है कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ मार्केट में। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे दिसंबर 17 को क्या चला। अगर आप फ्राइडे का एक्शन देखोगे, 33 मिलियन कॉल्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, ओनली 12 मिलियन पुट्स वर एडेड। अब देखिए, आप 17,500 पे लोगों ने बेचा, ठीक है, 17,300 पे भी बेचा, 200, 100 सब लेवल। और आप ये भी देख सकते हो, राइट, मार्केट गिरा था फ्राइडे अराउंड टेन बिल्कुल परसेंट राइट, बिल्कुल। विच कंप्लीटली एड्स अप टू दिस स्टोरी, राइट। सो तो मैसिव कॉल राइटिंग, मार्केट गिरा, ओवरऑल ये भी हुआ। इसका मतलब ये हो कि यार जो भी हो, कोई तो कॉल बेच के बोल रहा है कि बॉस सेल कॉल, ऊपर तो नहीं जा रहा है मार्केट,
दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वाओ अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑप्शन चेन. एंड दिस इज ये विजुअलाइज करने में बहुत आसान है. लाइक मियरली बाय लुकिंग एट द स्क्रीन आई कैन मेक आउट कि कॉल्स ज्यादा बिक रहे हैं. मतलब मेरे को अगर इवन इफ आई एम नॉट पुटिंग अ कर्सर विजुअल एस्पेक्ट भी बहुत सही. ओके ग्रेट. करेक्ट ओके राइट. अब सी थिंग इज दिस राइट. अब बस ये देखो लाल टावर बड़े है ग्रीन हाँ टावर नहीं है. चलो मैं वही खत्म. वही देख के आए साइड की. हाँ ये आराम से पता लग रहा है बिकॉज लाल मतलब कॉल राइटिंग हो गई है, मतलब कॉल सेलिंग हो गई है, बेचा गया है. तो करेक्ट वो चीज अमेजिंग. करेक्ट करेक्ट. ओके ओके बट अब इसमें कैच है. अच्छा ठीक है. अब ओके. ये वीकली है ठीक है. अगर आप मंथली देखोगे लेट्स से मैं मंथली देख अब इसका नंबर रफली याद रखिए 33 मिलियन 12 मिलियन. ओके लेकिन आप मंथली देखोगे तो इसमें सिर्फ 4 मिलियन 1 मिलियन मतलब ये कोई ट्रेड नहीं कर रहा राइट ठीक है. और अगर आप मंथली फिर से देखोगे कि मंथली में एक 17,000 का पुट बड़ा है लेकिन वो आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ 6 मिलियन क्वांटिटी पुट्स है ठीक है. आप तो बहुत बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं ये लोग सोचते हैं कि बॉस यू नो व्हाट वीकली बेरिश है लेकिन मंथली में 6 मिलियन खड़ा है पुट इसका मतलब ये है कि ये नहीं टूटेगा मंथली तक. लेकिन आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप वीकली देखोगे तो उस पे आप वॉल्यूम देखिए ये आप जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बोलते हो जी 33 मिलियन कॉल्स और पुट्स ऐड हुए हैं ऑन द वीकली. मंथली में किसी ने ट्रेड ही नहीं किया दिसंबर राइट 4 और 1 मिलियन. अब आप पूछोगे कि ये 6 मिलियन कहां से आया. फिर बिल्कुल ये 6 मिलियन इसलिए आया क्योंकि ये दिसंबर ऑप्शन है ठीक है दिसंबर मंथली. अब ये जो ऑप्शन है दिसंबर मंथली वो 3 साल पहले से ही ट्रेड करना स्टार्ट होता है लॉन्ग टर्म ऑप्शन करके. तो जितने भी लोगों ने 17,000 पुट बेचा दे आर लाइक देयर व्यू केम लॉन्ग टाइम बैक. मतलब ये रीसेंट एडिशन नहीं है ये पुराना ऑप्शन है जो मतलब 2-3 महीने पहले उनने ये सौदा बनाया हुआ था या फिर 1 साल पहले भी मतलब मंथली ऑप्शन ओपन रहता है ये दिसंबर. करेक्ट करेक्ट ओके. तो आपको तो हमेशा ये नुआंस आपको देखना है कि किसमें ज्यादा रीसेंट एक्टिविटी चल रहा है. तो रीसेंट एक्टिविटी हमेशा वीकली में चलता है. वीकली देखो आप व्यू बनाओ फिर आपके चार्ट वगैरह के साथ कंबाइन करो बस ट्रेड करो. मैं एक एक जस्ट एक एग्जांपल दूंगा ये चार्ट देखने का. तो बाय द टाइम ही इज शोइंग मैं आप लोगों को एक चीज दो चीजें बता देता हूँ. पहली चीज है व्हाट आबिद हैज एक्सप्लेन राइट नाउ ये 70,000 के वर्कशॉप्स में मिलता है मार्केट में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. तो उसके लिए कमेंट्स में जितने लोगों को सीखने मिल रहा है तो ओपी आबिद जरूर लिखेगा. जितने ज़्यादा मिलेंगे उतने जल्दी विल ट्राई टू कॉल हिम अगेन बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज आर लर्निंग अलॉट. एंड दूसरी चीज़ है कि हम जब भी किसी गेस्ट को लाते हैं तो हम थोड़े से हैं लालची तो हम कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं. तो आबिद जी से भी हमने थोड़ा पुश करके निकाला है. तो गाइज ये जो अभी आप स्क्रीन देख रहे थे वो सेंसिबल का था. तो इसमें ऑब्वियसली फ्री के फीचर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर आप लोग क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हो तो वी हैव बॉट समथिंग रियली स्पेशल फॉर यू जो मैंने आबिद जी से पहले ही सेटिंग कर ली है बात करने से पहले. तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आप वहाँ पर जाके अगर क्लिक करते हो तो ये डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही आपको मिलेगा बाय द वे. तो आपको जो इनका जैसे 1 ईयर का जो प्रो प्लान है अगर आप वो लिंक के थ्रू लेते हो डिस्क्रिप्शन वाले तो उसके साथ आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा. लाइकवाइज अगर आप लेट्स से 3 मंथ्स का लेते हो तो आपको उसके साथ 1 मंथ मिलेगा. 6 मंथ्स का लेते हो तो 2 मंथ्स का लेगा. तो अगर आप देखो मेरे हिसाब से व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज ओनली एंड ओनली इफ यू आर सीरियस अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको इसको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो. और काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते थे सर आप बता दो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए कैसे किया जाए. सो आई हैव गिवन यू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये कर सकते हो. एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू आबिद आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं. आई जस्ट थॉट ऑफ कि लोगों के साथ सरप्राइज शेयर किया जाए एंड दैट्स व्हाई. या सो गो अहेड आबिद. सो मैं आपको बता दूं मेरा मैं एक लाइव मतलब जो मैंने किया था लास्ट वीक उसका मैं थिंकिंग प्रोसेस आपको बताता हूँ. ठीक है ठीक है. मतलब अगेन राइट मैं इन आइसोलेशन कोई भी चीज को नहीं देखता. तो आप देखो ये 13 दिसंबर था. इसमें एक मतलब काफी टाइम से एक चैनल चल रहा है निफ्टी में और एक ये चैनल भी चल रहा है. तो इसका टॉप में आके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था. रेजिस्टेंस पे आके टॉप पे आके एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना और फिर एक ब्रीदर कैंडल आया एक डोजी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो छोटा वो एक 100 DMA पे बना. ठीक है. अब 14 दिसंबर को मैं काफी कंफ्यूज हुई कि बॉस ये
रेजिस्टेंस बनेगा कि ये सपोर्ट बनेगा, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि डोजी इंडिसिशन हाँ कैंडल है ना, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। मुझे देखना है कि बॉस ये क्या करेंगे चार्ट में, क्योंकि सिर्फ चार्ट देख के तो मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है राइट। ठीक है। तो ये मेरा एक एनालिसिस शीट में रखता हूँ एवरीडे का। तो वाह मैंने ओके दिसंबर, नहीं ये बी ब्रॉडकास्ट इट ऑन सेंसिबल ऑल्सो टू पीपल, अमेजिंग ओके ओके तो 14th को अगर आप देखोगे तो ठीक मैंने है। लिखा था कि ये बेरिश ये इंडिकेशन 13th कैंडल का है है थर्टीन, मतलब थर्टीन ओके नाइट को 14th अच्छा 39 कैंडल्स। का 14th के लिए ओके तो उस टाइम पे मेरे को चमका नहीं कि बस करना क्या है, बट ये मैंने देखा कि सबने कॉल बेचा, ठीक है, उस दिन ऑप्शन चेन में सबने कॉल बेचा। तो मैं थोड़ा टाइम मशीन रिवर्स करके आपको बताता हूँ कि मेरा थिंकिंग कैसे बना उस दिन। सो अगर वाह ओके ठीक आप वापस जाके 13th को आप देखोगे, ये 13th का ऑप्शन चेन था, ठीक है, एक है सेकेंड। अब 13th को आप देखोगे तो इसमें, सॉरी वीकली, तो आप देखोगे 13th को क्लियर कट था, यहां पे तो सब लोग ऑप्शन बेच रहे। अब 14th बिल्कुल को जाते हैं, इसमें भी क्लियर है कि लोग पुट ऑप्शन से निकल गए और कॉल ऑप्शन ऐड किया, सेवन ठीक मिलियन है कॉल्स और 3 मिलियन पुट्स। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज था कि बॉस ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है 14th को, लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा मेरे को काफी क्लियर हो गया बॉस वो टूटने के चांसेस ज्यादा है वो हाँ 100 DMA, क्योंकि यहाँ पे हाँ लोग तो बेच रहे हैं। फिर वहां पे मतलब रफली वही पे रहा, राइट, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आया, फिर मेरे हाँ को कंफ्यूजन हुआ, आई एम लाइक कि यार अब क्या होगा अगेन, राइट राइट। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस इज FOMC टाइम, यूएस का डेटा आ रहा है ऑन दैट डे थर्सडे, बट इवन डिस्पाइट दैट आप देखोगे कि 15th को भी काफी ज्यादा कॉल सेलिंग कॉल हुआ, बेचा बिल्कुल और आप देख सकते हो यहाँ पे 15th को खुलते ही एक बार ऊपर गया, 16th को खुलते ही ऊपर गया, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया वो लेवल, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने 17400 का कॉल बेच रखा था, सॉरी 300 का, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये FOMC का नाइट था 15th को, ये 16th मॉर्निंग है, और आप देख सकते हो कि मार्केट होल्ड ही नहीं कर पाया वो लेवल डिस्पाइट पॉजिटिव डेटा फ्रॉम FOMC। यस एंड यस यस जैसे कि ये हुआ कॉल एडिशन पुट सब्ट्रैक्शन, ये नीचे ग्रीन का मतलब ये हुआ कि लोग पुट अनवाइंड कर रहे हैं, जिसने पुट बेच रखा है वो निकल रहा है, राइट। तो राइट लोग वापस आ गए और आप देख सकते हो कि अगेन, राइट, 71 मिलियन पुट, 35 मिलियन, सॉरी 71 मिलियन कॉल, 35 मिलियन पुट। तो अगर आप चार्ट, सो फंडामेंटली आपका व्यू तो चार्ट से ही बना, क्योंकि ये चैनल है वगैरह वगैरह, राइट। बट राइट जहां पे मेरे को चार्ट से फुल पिक्चर नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे ऑप्शन चेन एक तरह से मेरा टाई ब्रेकिंग आदमी बन गया, वो बोला कि बस चार्ट ठीक है, कंफ्यूज हो आप, लेकिन मेरे को देखो ये ओ तो अब आपको कंबाइन करना है ये दो चीजें, गॉट इट गॉट और ये इट निफ्टी में काफी ज्यादा चलता है। ओके सो बेसिकली दिस इज अ सप्लीमेंट टू योर चार्ट एनालिसिस इन निफ्टी। बट आई वुड से अ बिग सप्लीमेंट, आई वोंट जस्ट से अ स्मॉल अच्छा सप्लीमेंट, आई से अ ओके ह्यूज सप्लीमेंट, लाइक अ 30-40%, बिकॉज़ यू कैन सी वाओ दिस, राइट, बिकॉज़ दिस इज कंफ्यूज। सो इफ यू हैड लुक्ड एट द चार्ट, राइट, अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट तो बोलेगा कि बॉस सपोर्ट पे आके डोजी बन गया, आप शायद बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग भी जाते। तो आविद अगर हम मान लो आज का एक जनरल अगर हम एक एनालिसिस करते हैं आज का इन द सेंस व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग तो लेट्स टेक एन एग्जांपल लास्ट सेशन था फ्राइडे को एंड फ्राइडे को जो मैं आपके चार्ट पे देख रहा हूं तो ये एक ब्रेकडाउन दे रहा है आपके ये अगर ब्रेकडाउन है दे रहा ना है, तो अगर हम इसका ऑप्शन चेन देखते हैं तो व्हाट कैन वी इंटरप्रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ उसमें आप, तो चलिए मैं आपको निफ्टी वीकली और डेट्स थोड़ा रीसेट करता हूँ, आज क्या है 17th, गाइज लाइक करना भूल गए तो कंजूसी मत करना करते जाना राइट। तो अब ठीक है, इसमें एक चीज तो है क्लियरली कि अगर आप ऑप्शन चेन सिर्फ देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 17,000 पे थोड़ा सा सपोर्ट है, या बिकॉज देर आर दीज राइट, आर ये पुट बेचे गए हैं उतने ठीक है करेक्ट। बट आप देख सकते हैं कि 17,100, 200 सब जगह रेजिस्टेंस भी है, बिल्कुल और आप रिसेंटली देखोगे फ्राइडे का एक्टिविटी, तो जितना 17,000 पे पुट राइटिंग था उससे ज्यादा 17,000 पे कॉल राइटिंग था। फिर बिल्कुल आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे 100, 200 वगैरह है,
यस राइट। बहुत लाल दिख रहा है। यस अब मेरा एनालिसिस ये है कि 17,000 पे हल्का सा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट के ही वजह से शायद यहाँ पे हमने पॉज देखा, ठीक है, वो ओ फ्राइडे को जब सेलिंग खत्म हुआ शायद इस वजह से हुआ, ठीक है और शायद ये हो सकता है कि एक हल्का सा अपटिक मिले शायद अपने को, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे लोग 17,000 है राइट, उन वाले लोग खड़े हैं यहाँ पे। बट ठीक है पॉइंट ये कि अगर वो होल्ड भी किया तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 100 और 200 वाले लोग आपको ऊपर जाने देंगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस तो है, बाधाएं अभी बहुत हैं निफ्टी के लिए। करेक्ट राइट। तो ओके अब आप देखो ये ट्रेड सेटअप क्या है। अब ये तो मतलब कमेंट्री है, उससे कुछ यूज नहीं है किसी को। अब ठीक है हाँ आपको हाँ देखना है कि इसमें मैं ट्रेड क्या देख सकता हूँ। अब दो चीज है, ठीक है। अब पहली चीज ये है कि इतने सारे लोग यहाँ पे पुट बेच के खड़े हैं। अब इसका राइट मतलब ये हुआ कि अगर 17,000 लेवल फूट गया तो सब लोग यहाँ से निकलेंगे और पैनिक में शॉर्ट कवरिंग होगा, मतलब पुट का शॉर्ट कवरिंग, नॉट लाइक इंडेक्स का शॉर्ट कवरिंग। इंडेक्स गिरेगा और ऑल ऑफ दिस पीपल विल वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द पुट, मतलब ये। ओके ओके अब ओके ओ बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर 17,000 फूटा तो जो नीचे वाला मूवमेंट आएगा वो काफी तेज और बड़ा बहुत आएगा। बड़ा डिप। पर इसका मतलब ये भी हो सकता है अवैध कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ ओवर द वीकेंड आ जाती है, एग्जांपल लेते हैं बहुत ही पॉजिटिव, तो इतने ज़्यादा जो हैवी राइटर्स बैठे हैं अगर बहुत बड़ी पॉजिटिव आई तो दे विल ऑल्सो रन फॉर कवर। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। माई ओनली सो आई वुड अग्री विथ यू। माई ओनली प्रॉब्लम इज सारे डिस्क्लेमर स्ट्राइक्स। ऑडियंस, हम कोई बाय सेल नहीं बोल रहे, वी आर जस्ट हाँ नहीं, डिस्कसिंग। हम लोग नहीं, वैसे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं सेबी आ रही हूँ, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू बी सेफ। बट वो तो नहीं करना, बट राइट ठीक है। राइट बट अब ओके देखो, सो योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। ओके, अगर कुछ भी ओवर द वीकेंड न्यूज आया तो ऐसा हो सकता है कि ये 17,000 वाले लोग, और 17,000 वाले लोग पैनिक में निकलने की कोशिश करेंगे। बट बिल्कुल प्रॉब्लम यह है कि यार कितने लोगों को आप निकालोगे। 17,200 वाले लोग भी खड़े, 300 भी खड़े, तो ये जो आप बोल रहे हो वो एक टिपिकल शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है, ठीक एंड फॉर है, दैट वी क्योंकि नीड आवर फाइनेंस मिनिस्टर आई गेस। नाउ हियर्स अ ब्यूटीफुल थिंग राइट। इनफैक्ट व्हाट यू आर सेइंग एड्स अप इन अ वेरी डिफरेंट वे इन द चार्ट। सो ठीक है चार्ट टूटने का लेवल इज दिस राइट, 17,100 वन टाइम्स। ट्वेंटी थ्री ओके नाउ नॉर्मली व्हेन अ लेवल ब्रेक्स इट यूजुअली हैज अ टेंडेंसी टू रिविजिट दैट बिफोर रिट्रेसिंग। ओके ओके तो आपको ये मान के चलना है कि देयर इज अ हल्का प्रोबेबिलिटी कि अगर ये चैनल टूटा तो एक और बार जाके ये चैनल का टॉप रिविजिट हो सकता है बिफोर कंटिन्यूइंग अगेन। तो ओके ये स्टोरी एड्स अप। लेट्स से कि कुछ अच्छा न्यूज आ गया तो क्या होगा, 17,000 वाले लोग, 17,100 वाले लोग, 200 वाले लोग सब भागेंगे, बिल्कुल लेकिन 300 वाले लोग सब लोग वहीं पे खड़े हैं, और ये चैनल में जितने भी लोग यहाँ पे बाई करके हाँ फंसे हैं वो सब लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैनल का बॉटम फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बनेगा। तो आई एम ये गेटिंग स्टोरी इट। परफेक्टली प्ले आउट कर सकते हैं जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एक न्यूज आया, शॉर्ट कवरिंग रैली आई, हल्का सा राइट डिप, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, कॉल वाले लोगों का रेजिस्टेंस आया, फिर से कंटिन्यू हो सकता है राइट। बट ओके व्हाट यू आर सेइंग इज, सो देन माय क्वेश्चन इज दिस राइट, सो व्हाट इज अ गुड ट्रेड टू टेक। अगर आपको सेफली खेलना है तो आप ठीक है 17,200 कॉल बेच दो, 17,300 कॉल बेच दो राइट। राइट और अगर हाँ आप, मतलब लिविंग डेंजरसली, डर के आगे जीत एंड ऑल दैट इफ यू बिलीव इन, देन आप एक काम कर लो, पुट ऑप्शन ले लो, ठीक है, या पुट स्प्रेड ले लो। तो आप यस ये तो कर ही सकते हो आप, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप तो अगर आपको लग रहा है कि, तो हाइपोथेसिस क्या है कि ये लेवल टूटा तो बड़ा मूव आएगा, तो ठीक बड़ा है मूव आप कैसे प्ले करोगे, पुट के थ्रू प्ले करोगे, ठीक तो है कर सकते हो आप, लेकिन मैं उतना रेकमेंड नहीं करूंगा नेकेड ऑप्शन भाई। बट 17,200 या उसके ऊपर वाला कॉल बेचना बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन चेन, व्हाट वी सी ऑन द चार्ट, व्हाट वी सी ऑन द, थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक अ नो ब्रेनर। बट या आई मीन वी शुडंट रेकमेंड, सो आई एम नॉट रेकमेंडिंग, ऑल्दो इट्स नॉट इलीगल इफ आई रेकमेंड ऑन दिस बिकॉज आर आई लाइसेंस। ओके तो अब या एक क्वेश्चन था, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलिए हमने ये सब देखा, हमने अपना कोई एक पोजीशन बना लिया, ठीक है हमने पोजीशन बना लिया। अब बहुत बार क्या होता है, एक ऑप्शन ट्रेडर स्पेसिफिकली मैंने बिगिनर्स और इंटरमीडिएट प्लेयर को देखा, वो अपने सब बना लेंगे, स्प्रेड्स बना लेंगे, सब बना लेंगे, बट दे डोंट नो कि हमारा कितना प्रॉफिट जा सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो कैन वी फिगर आउट समथिंग, कुछ हम कर सकते हैं उस चीज के लिए? यार दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज़ आई टेल यू व्हाई राइट। तो मैं ऑप्शन ट्रेडर था, ठीक है, मेरा पहला जॉब आउट ऑफ कॉलेज वाज बॉन्ड ट्रेडिंग, दूसरा जॉब आउट ऑफ कॉलेज वाज ऑप्शन ट्रेडिंग,
तीसरा जगह आउट ऑफ कॉलेजेस ऑप्शन चेंज ट्रेडिंग, मतलब मैं आई यूज्ड टू डू दिस फॉर अ लिविंग. तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि एवरी टाइम राइट, तो आई यूज्ड टू एट वन पॉइंट आई यूज्ड टू रन एक ऑप्शन बुक ऑन सम 7-8 करेंसीज फॉर आईसीआईसीआई. उसके बाद आई यूज्ड टू ट्रेड प्रॉप यूएसडीएनआर फॉर आईएफएल. तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि सी हम लोग टिपिकली थीटा सेल्स थे, ठीक है, ठीक मतलब हमें तो मतलब वीकेंड में मार्जिन मनी लेके स्ट्रैंगल बेचना है और देखना है कि मंडे फ्री में पैसा आएगा कि नहीं, राइट ठीक है. अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अगर वो चीज करोगे तो आपको ये तो जानना ही है कि बॉस मैं एक स्ट्रैंगल बेचना, या फिर एक टिपिकल निफ्टी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. तो ये रहा स्ट्रैटेजी बिल्डर, ठीक है ठीक है. अब इसमें मैं मान लीजिए कि मैं स्ट्रैंगल बेच रहा हूँ, मैं वो आदमी हूँ जो सोच रहा हूँ 16800 भी नहीं फूटेगा, 17200 भी नहीं फूटेगा, ठीक है. ठीक है अब आपने ये बेचा थीटा कारी के लिए फ्री का वीकेंड, राइट, है स्ट्रैंगल, ठीक है और मैं ये देख रहा हूँ कि बॉस मैं स्ट्रैंगल बेच के फ्री में थीटा कमा लूंगा मंडे तक, ठीक है. ठीक है अब अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको जानना ही है कि अगर मार्केट हिला मंडे को तो कहाँ जाके मेरा लॉस होगा. अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा मंडे को ब्रेक इवन क्या है तो फिर आप थोड़ा डेंजरसली खेल रहे हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपको राइट. तो बिल्कुल ये एक स्ट्रैटेजी बिल्डर करके चीज है हमारा. और आप ठीक है मान लीजिए ये स्ट्रैंगल आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो हाँ ठीक आप है क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मंडे को क्या होगा. तो मैं ये मंडे 9:30 करता हूँ डेट, ठीक है, मंडे 20th of December, ठीक नाइन है थर्टी AM ठीक क्लोज, है ओके राइट. नाउ ये देख के आपको पता चलेगा कि मंडे अगर, तो आप ये सकते हो देख सकते हो राइट, बिल्कुल प्रोजेक्टेड बिल्कुल प्रॉफिट. प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 3106 तो यस मंडे अगर यही पे खुला तो आपको 3000 रुपीज मिलेगा रफली. ठीक है और अगर मंडे ये इंडेक्स गया 7-1.5% टाइप्स ऊपर तो अच्छा एक आपका गैप अप ब्रेक अगर इवन हो गया होगा, अपना ओके तो ठीक आपका है ब्रेक इवन होगा. मतलब ये हमेशा एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि आईवी थोड़ा इधर उधर घूमता है, हाँ बट बट ऑन एन एवरेज हमको एक रफली. आइडिया लग जाएगा तो अगर आप 400 पॉइंट्स वाइड स्ट्रैंगल कर रहे हो तो वन एंड हाँ हाफ परसेंट तक आपका वीकेंड का थीटा सेफ है. ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि नहीं तो आप कर क्या रहे हो, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपका पैसा कब बनेगा. या फिर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, राइट. लेट अस से राइट कि आपने टाटा मोटर्स का, तो टाटा मोटर्स बिकॉज ये अभी रिसेंटली गिरा, सो आई जस्ट 4% टाइप्स गिरा था, तो यस एक बाई पुट, ठीक है, ठीक एक बाई है पुट ठीक आपको है लग रहा है टाटा मोटर्स 460 जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक. अब ठीक आपको है ये पता तो होना चाहिए कि बस अगर 450 गया टाटा मोटर्स बाय December 25th, राइट, आप बोल रहे हो कि मैं पुट ले लूंगा, तो आप देखते क्या होता है, ठीक है. तो 25th December, सॉरी 24th December इज फ्राइडे, 24th December को 3 बजे मार्केट क्लोज के आसपास टाटा मोटर्स का प्राइस गया 460. ओके ओके यार आपने कुछ ज्यादा पैसा नहीं बनाया, आपने सिर्फ अराउंड 6000 रुपीज बनाया है. और अगर आप ये तो 2% बड़ा मूव आ गया, अगर 1% मूव हुआ टाटा मोटर्स तो ओ आपने एक्चुअली लॉस बनाया. ये तो प्रॉब्लम घाटे ये का ना होता है, सौदा लोगों को लग रहा है बॉस मैं एक ऑप्शन ले लूंगा स्टॉक गिरेगा पैसे छप जाएंगे, वो नहीं होता, क्योंकि इसका आईवी और थीटा इतना ज्यादा है कि इवन इफ यू कैप्चर अ 1.5% मूव बाई नेक्स्ट फ्राइडे, आपका एक्चुअली 2000 रुपए का नुकसान. और ये अगर आप नहीं जानते कि मेरा, मैं टाटा मोटर्स का पुट ले रहा हूँ, टाटा मोटर्स का प्राइस 1.5% गिरेगा फिर भी मेरा पैसा नहीं बनेगा, ये अवेयरनेस अगर आपको नहीं है और आप ऑप्शन वाह ट्रेड कर रहे हो तो काफी प्रॉब्लम है लाइफ में. एग्जैक्टली तो क्योंकि काफी ये सारे लोग ऐसे ही होते हैं ओवर द वीकेंड वो पुट लेके बैठे रहते हैं उनको लगता है गिरा तो भी मेरा पैसा क्यों नहीं बना सो नाउ दे हैव अ बेटर वे टू एक्सेस इन एडवांस कि क्यों आप क्या हो सकता है ओके या दिस इज द प्रॉब्लम. वाह वाह अमेजिंग अमेजिंग सो आविद वी गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट दिस बट देन आप आने वाले थे तो हमने हमारे ना ऑडियंस से कुछ सवाल पूछ लिए थे तो आई होप यू डोंट माइंड आंसरिंग अ फ्यू क्वेश्चंस है ना नो प्रॉब्लम, वेरी हैप्पी टू. अमेजिंग सो आविद हमारा ना एक व्यूअर है
उन्होंने एक सवाल ये पूछा था कि प्लीज आस्क एज द ऑप्शन इज डिजाइन टू बेनिफिट द सेलर, हाउ कैन द बायर मेंटेन कंसिस्टेंसी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब उनका ये कहना है कि क्या ऑप्शन सही में ऐसे ही डिजाइंड है कि ऑप्शन सेलर्स के फेवर में होंगे, एंड अगर ऐसा है तो एक बायर कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकता है। एंड आई वुड लव, बिकॉज सी आप सेंसिबल चला रहे हैं, इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स भी होंगे वाइल यू आर सेइंग, इफ यू हैव समथिंग टू से इन दैट कंटेक्स्ट, कि आपने अगर कुछ देखा है ऑब्जर्व। सो या वुड लव टू नो दैट। तो मैं आपको इसको दो पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करूंगा। फर्स्ट चीज ये कि क्या लोगों का ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है कि नहीं, राइट? नाउ सेकेंड पार्ट इज क्या किसी का भी पैसा बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग में कि नहीं। अब तीसरी पार्ट ये मैं ये ट्रेड आई मीन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्यों जाता है पैसा ऑप्शन बाइंग में और आप वो क्यों वाले फैक्टर को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। एंड आई थिंक मेरा और वो थर्ड पार्ट में मैं थोड़ा सा इनसाइट दूंगा कि मैं एक ऑप्शन बाइंग स्कैम करता था पहले। मतलब दिस इज स्पेसिफिक स्टाइल इन विच आई यूज टू बाई ऑप्शंस ऑन सम ओकेशंस जिसमें आई यूज टू अवॉइड समथिंग एंड आई विल टेल यू व्हाई हाउ टू डू दैट, राइट? इट्स अ वेरी नाइस लिटिल ट्रिक, इट्स अ सुपर नाइस ट्रिक एक्चुअली। एंड सो लेट्स गो वन बाय वन, राइट? डू पीपल मेक मनी बाइंग ऑप्शंस? द आंसर इज डेफिनेटली नो, राइट? Because, like, I mean to say, people, right? And now let me ask the second question: does anyone make money option buying? A lot of people do, right? Okay. So it's like this, right? अगर आपने मेन इन ब्लैक मूवी देखा है, उसमें एक सीन है विल स्मिथ और टॉमी ली जोन्स एक साथ बैठते हैं और टॉमी ली जोन्स विल स्मिथ, देखो, अ पर्सन इज स्मार्ट, अ पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, बट पीपल आर स्टूपिड। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लार्ज सैंपल स्पेस में लोगों का बिहेवियर देखते हो तो आपको लगेगा कि बॉस ये तो मतलब इसमें कोई ये बेवकूफी की बात है कि ऑप्शन बाइंग हो रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये कि इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस, राइट? तो फिर तो आप लिखो बोलोगे कि बॉस जेई का सक्सेस रेट इज ओनली हाफ ए परसेंट, किसी को जेई लिखना नहीं चाहिए। तो ये तो काफी गलत हो गया ना। मतलब ये तो आप नहीं कर सकते हो। आपको ये देखना है कि कुछ लोग निकाल रहे हैं ये चीज और वो लोग क्या कर रहे हैं, कि क्या गलती दूसरे लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट, मैं एक ये तो काफी मतलब लोग जानते ही है, मतलब मैं फिर भी एक थोड़ा सा इनसाइट देता हूँ। लोग इसलिए ऑप्शन बाइंग में पैसे गंवाते हैं क्योंकि वो लोग काफी दूर का ओटीएम खरीदते हैं। अब उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आप टाटा मोटर्स, अगेन एक एग्जांपल देखते हैं, राइट? ठीक टाटा है, मोटर्स 470 पे ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। अब 480 का या 490 का कॉल आप खरीदते हो, राइट? तो अब 490 क्रॉस करने के बाद ही आपका पैसा बनेगा, बिल्कुल। लेकिन आपको ये प्रीमियम भी रिकवर करना है। 496.65 पे आपका ब्रेक इवन। तो अगर आपको इसमें पैसा बनाना है तो आपका ब्रेक इवन है 5.6% मूव। अब 5.6% मूव 10 दिन में यूजुअली थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगर हम एक एज्यूम करें, कैन द स्ट्रैटेजी बिल्डर डू दिस थिंग? मान लेते हैं, हम बोलते हैं 6 दिन बाद ये हमारा प्राइस आ रहा है, कैन वी चेक दिस थिंग हाँ आउट? क्या पॉसिबिलिटी होगी उस टाइम पे इस ऑप्शन की? नहीं समझा मैं, आप क्या सो बोल रहे लेट्स हो? टेक एन एग्जाम्पल। अभी एक्सपायरी के लिए जितने दिन बचे हैं, एंड हाँ वी आर जस्ट वन डे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दिन पहले एक्सपायरी के अगर ये प्राइस आ जाता है, हमारा 490 आ जाता है, तब हमारे हाँ ऑप्शन का प्राइस क्या हो सकता है? एनी रफ एजम्पशन वी कैन गेट ओवर देयर? हाँ वो आप देख सकते हो। आप यहाँ पे सीधा आके 490 डाल दो ठीक और है। आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट इतना होगा। और आप ये भी देख सकते हो पीएनएल टेबल से कि आपका टारगेट प्राइस ऑफ द ऑप्शन जो आपने 6 रुपीज पे लिया उसका हाँ, टारगेट रफली 10 रुपीज पे आएगा। ओके 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 ओके, गॉट इट। क्या? लेकिन इसमें फाइट ये है कि ये जो आप मूव बता रहे हो 490, वो 4.5% मूव है रफली, और ब्रेक इवन जो है 496 इज लाइक 6% मूव। ये काफी मुश्किल है उतना जाना विद इन 10 डेज यूजुअली, राइट? नॉर्मली तो आप देख सकते हो पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो सिर्फ ओनली ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर परसेंट परसेंट राइट? बट नाउ आपको एक दूसरा चीज बताता हूँ। अब मैं अगर स्ट्राइक चेंज करता हूँ 480, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पॉप 24 से 30 आ हाँ गया,
और आपका ब्रेक इवन काफी पास में आ गया 4%। ठीक राइट है, 470 करोगे तो 3% और 35%, 460 करोगे 40% और 480, अब 450 करोगे तो 43 आ गया। जैसे जैसे आप स्ट्राइक का कम करते जाओगे एंड आपको लगेगा ये जो आपने अभी जस्ट किया 440 पे आ गया, तो हमारे पास अचानक से एक रिटर्न वाला भी चीज आ गया. व्हाट इज दैट? दिस इज द मैक्स रिटर्न वी कैन मेक, और व्हाट एग्जैक्टली? ये अगर आपने ये रिटर्न परसेंटेज है, जैसे कि आपने 37 रुपीज का ऑप्शन लिया और आपका टारगेट प्राइस है 50 रुपीज, तो अच्छा, रफली आपका 89% रिटर्न आ गया। ओके. तो दिस इज जस्ट अ इंडिकेशन ऑफ कितना आरओआई आ गया आपको इस मार्जिन पे, सॉरी मार्जिन नहीं, जैसे आप ये देख सकते हो राइट, ये राइट, 42,000 यस, चाहिए इसका मार्जिन। राइट. तो आर यू ट्राइंग टू से कि अगर जो ऑप्शन बायर है, अगर उसको बाय ही करना है, तो वो इन द मनी या डीप इन द मनी ऑप्शन करे? यस दैट इज माय पॉइंट, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, दिस इज अ वेरी 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 नाइस सेटअप। आई आल्सो गिव यू एन एग्जांपल ट्रेड, एक ट्रेड ऐसा है जिसके ऊपर मैं काफी हैप्पी हो गया था शुरू में और फिर मैं काफी सैड हो गया, बट आई विल कम टू दैट लेटर। बट आप देखो, कोई भी श्योर. ऑप्शन आप निकालोगे उसका दो पार्ट्स है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है टाइम वैल्यू। ठीक है, ठीक अब है. आप देखोगे तो मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको, ये टाटा स्टील है ठीक है, और ये टाटा स्टील का या मोटर्स ही लेते हैं राइट, वी आर डूइंग मोटर्स, लेट्स डू मोटर्स। अगर आप ये बाइकॉल देखते हो 480 का, इसका प्राइस 10 रुपए है ठीक है। अब हाँ, ये 10 का 10 अगर यही पे एक्सपायर हुआ टाटा मोटर्स, तो ये पूरा 10 रुपए आपका गया राइट राइट। तो राइट मतलब कुछ होगा इस उम्मीद के लिए आप 10 रुपए दे रहे हो उस ऑप्शन का ठीक है। राइट. अब आप ये देखो 460 वाला ऑप्शन, इसका 20 रुपए है प्राइस। करेक्ट. अब ये 460 का स्ट्राइक है, 470 पे ऑप्शन है, अगर आप अभी भी इसको एक्सरसाइज करोगे तो इसका 10 रुपए तो कम से कम इंट्रिंसिक वैल्यू ही है, क्योंकि आपको 470 का माल 460 पे मिल रहा है ठीक है। तो यस 10 यस इसका तो यस, रियल प्राइस है, बाकी 10 रुपए और एक्स्ट्रा है वो उम्मीद का कॉस्ट है बिल्कुल राइट। बिल्कुल. अब पॉइंट ये है कि अगर आप उम्मीद के लिए कुछ पैसे देते हो, तो अगर वो उम्मीद मेटीरियलाइज नहीं हुआ तो आपका पूरा पैसा गया। करेक्ट. इन दिस तो केस इट इज 27,930 पूरा जाएगा. 27,000 रुपीज आप उम्मीद के लिए दे रहे हो राइट। अरे ओके. हाँ अब मतलब 9.8 में, मतलब रफली 10 का राउंड करके ठीक है। अब ओके. जितना जितना आप सी, और उम्मीद एक ऐसी चीज है जो जिसके दुनिया का, लेकिन वो तो हमेशा होता नहीं है ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30% वो हमेशा होता नहीं है राइट। तो कभी राइट. कभी उम्मीद नाकाम होता है, हमेशा उम्मीद नहीं चलता राइट। बिल्कुल बिल्कुल. तो लोगों का पैसा ऑप्शन बाइंग में इसलिए जाता है क्योंकि ये उम्मीद के ऊपर लोग काफी पैसा देते हैं बट राइट। दैट कुड बी तो ऑल्सो रीजन, बिकॉज अभी जैसे कोई बोलता है 27,000 तो सस्ता है, इसलिए मैं उसको खरीद रहा हूं. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन रीजन. एक्सैक्टली दैट इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि सबके पास 50,000 1 लाख टाइप का कैपिटल होता है और उसको वो हाँ गैम्बल करके डेवलप करना है। यस. आदमी ये नहीं देखता कि मैं ये ट्रेड 10 बार करके या 20 बार करके 8% 10% रिटर्न लेके आऊंगा, सबको एक ट्रेड में डेवलप करना है राइट। बिल्कुल. मतलब तो ये प्रॉब्लम है ना कि अब एक और टिपिकल एग्जांपल मैं देखता हूँ देता हूँ ये, मतलब मैं 25,000 वाला ट्रेड वो टाटा मोटर्स निकालू, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट है राइट। कि ठीक है. अब ये हाँ. देखो 7,500 निफ्टी हर कोई कर सकता है, 17,000 पुट या कॉल, देखो कॉल कॉल है, सिंपल ठीक है राइट। ठीक है. अब इसमें आप देखोगे तो 146 रुपीज आप इसका दे रहे हो पूरा उम्मीद का प्राइस राइट, क्योंकि 17,000 कॉल ठीक स्ट्राइक है राइट। है. अभी अब आपको मैं एक तो एक चीज तो अपने को समझ में आ गया, बस उम्मीद के लिए पैसा नहीं देना है इसको राइट। बिल्कुल पैसा तो देना है रियल चीज के लिए, मतलब बिल्कुल. जो वैल्यू है। अब आप देखो इसका 146 पूरा उम्मीद का है राइट। अब 16,900 कॉल आप देखो ठीक है, रफली 17,000 आप पकड़ लो, इसमें 17,000 में 146 रुपीज उम्मीद का कॉस्ट था, लेकिन अरे 16 बाप रे, उम्मीद का कॉस्ट को अपन बोलते हैं टाइम वैल्यू राइट। टाइम वैल्यू वाज 146 राइट, वन ये फोर्टी ऑप्शन ट्रेडिंग सिक्स टर्मिनोलॉजी।
दैट्स अ लॉट ऑफ मनी राइट, या ऑलमोस्ट अ परसेंट इन निफ्टी. बिल्कुल नाउ बिल्कुल इसमें आप देखो 205 रुपीज का ऑप्शन, रफली मैं 200 ही लेता हूँ. 100 इंट्रिंसिक वैल्यू है, 100 टाइम वैल्यू है, मतलब 17,000 का उम्मीद प्राइस वाज 150, 16,900 का उम्मीद प्राइस इज ओनली 100 रुपीज. तो उम्मीद प्राइस हैज रिड्यूस्ड 33%. नाउ 16,800 आप और कम देखो हो जाएगा इस उम्मीद प्राइस. और कम हो गया. अब यस नाउ द थिंग इज दिस राइट, वी आर लुकिंग एट इट 5 डेज इनटू एक्सपायरी, बट करेक्ट. एक 1 और 2 डेज बिफोर एक्सपायरी ये उम्मीद प्राइस रियली रिड्यूसेस ओके राइट. एंड अगर आप उस टाइम पे जाके एक आईटीएम ले रहे हो तो मैं आपको प्राइस ही दिखा देता हूँ. 16,800 का कॉल आप देख रहे हो, इसका प्राइस है 274 अभी बिल्कुल. करेक्ट. मैं एक सिमुलेशन देख दिखाता हूँ आपको, ये इसका प्राइस ऑन थर्सडे कितना होगा राइट, ऑन वेनेसडे कितना होगा. वेनेसडे को आप देखोगे इसका प्राइस इज 199 रुपीज. राइट. नाउ आप देखो 199 इज एंटायरली इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू राइट. 16,800 माइनस 17,000 इज 200, मतलब उम्मीद प्राइस इज जीरो. ओके वाओ. अब यहां पे जाके आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, और अगर ये ऑप्शन आप खरीद रहे हो 13,000 रुपीज का, आप उम्मीद पे कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप गॉट पूरा इट. इंट्रिंसिक वैल्यू पे राइट स्पेंड कर रहे हो. हाँ वो अलग बात है, निफ्टी गिरा तो आपका पैसा जाएगा, हाँ लेकिन निफ्टी ऊपर गया तो आपको पूरा पैसा मिलेगा. जबकि आप सेवन सो अगर आप ऐसे देख लो ना, 16,800 चल रहा है निफ्टी, या हाँ फिर 17,000 चल रहा है निफ्टी हाँ हाँ राइट. आपने अगर 17,200 का कॉल लिया ऑन ऑन थर्सडे, इवन इफ निफ्टी एक्सपायर्स एट 17,100, आपको कुछ नहीं सो मिलेगा. लेट्स गिव अ रियलिटी चेक, क्योंकि मेरी ऑडियंस में कमेंट्स में बहुत लोगों ने 17,100 का कॉल लिया है. सो कैन वी जस्ट चेक आउट करेक्ट. उनका उम्मीद का प्राइस कितना वो दे रहे हैं? 17,100 के कॉल बहुतों ने बाय करके रखे हैं. 17,100 का उम्मीद का कॉस्ट इज 100 रुपीज. 100 रुपए के उम्मीद का कॉस्ट. ओके एंड द पीओपी इज ऑल्सो ट्वेंटी और 7%, मतलब दे नीड अ मिराकल. या इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट नाइस. एंड ऑल्सो वी लुक्ड एट द ऑप्शन चेन राइट, दैट्स ऑल्सो गिविंग या अ दैट्स बैड नॉट इन पिक्चर. फेवर. तो गाइस सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, इवन आबिद विल एग्री, कि अगर आपने होल्ड किया है तो इट्स बेटर यू एग्जिट इन द नेक्स्ट सेशन. राइट. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस. राइट. नहीं, मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, बट आप देख लो, मतलब इवेंचुअली आपका डिसीजन राइट. सी लाइक अभिषेक सेड, एफएम आके कुछ बोल दिया तो मतलब भागेगा, फिर आप बोलोगे कि मैं फालतू में अभिषेक और उस दूसरे और तेरे का नाम सुना हाँ, रहा वही वही हाँ, हम वो ऐसा नहीं हूँ. बोल रहे. लॉजिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो वेरी दैट. ट्रिकी, बट इफ यू बाई इन द मनी ऑप्शंस, सो बेसिकली आपको अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है डायरेक्शनली, तो आपको एक चीज ये है कि जितना हो सके आप उम्मीद का कॉस्ट कम करो. ओवर द लॉन्ग रन इफ यू आर पेइंग वेरी लेस उम्मीद टाइम वैल्यू कॉस्ट, एंड इफ यू आर ट्रेडिंग मोस्टली आईटीएम ऑप्शन, सी आईटीएम में भी आपका पैसा जा सकता है वही, क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत निकला. अब वो तो मतलब आपको कुछ कर ही नहीं सकते राइट. लेकिन ओटीएम बिल्कुल. का प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि आप 17,100 कॉल लो, आपका डायरेक्शन भी सही हो गया, इवन इफ यू नो निफ्टी गोज टू 17,100, आप कुछ नहीं बनाया. लाइक 17,100 का ऑप्शन आप लेके अगर निफ्टी गोज टू 17,100, आपको फिर भी 100 रुपीज का लॉस हो गया ना, आपका ब्रेक इवन 17,100 का होगा एट 17,200. तो मतलब 1.26% मूव आने पे ही आपका कुछ पैसा बनेगा. ये तो मतलब आप बेसिकली एवरी टाइम आप एक टाइम वैल्यू वाला ऑप्शन लेते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा आप होप के लिए दे रहे हो, एंड ओवर द लॉन्ग रन इट एड्स अप टू अ लॉट ऑफ मनी. बट जितना हो सके आप आईटीएम, या आई मीन एटीएम भी नहीं बोलूंगा, हल्का सा आईटीएम ऑप्शन आप खरीदोगे तो तो वो बेटर रहेगा. आपका या टाइम वैल्यू ओवर द लॉन्ग रन आप कम पे कर रहे हो. तो ये चीज एक है, तो ये पहली चीज ठीक है. ठीक मैं है बोलूंगा कि आप ये ऑप्शन बाइंग में जितना हो सके आप टाइम वैल्यू कम करो. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि सी तो वी हैव एन एडवाइजर प्लेटफॉर्म जिसमें सेबी रजिस्टर्ड आरएस कैन गिव एडवाइस एंड ऑल दैट. तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जितने भी हमारे यूजर्स हैं सब आके बोल रहे कि बॉस हमें तो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है, वो सेलिंग स्ट्रेटजी ये सब ठीक है. स्ट्रेटजी तो आधे लोगों को समझ भी नहीं आता, मतलब काफी लोग बिगिनर्स है राइट. यस और यू कांट से सी द थिंग इज दिस राइट, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया मतलब
एक 1.5 साल लग गया पूरा चमकने में कि बस ये होता गया है स्ट्रेटेजी, राइट? एंड इवन करेक्ट, टुडे सम डेज आई लर्न अ न्यू थिंग एंड दिस इज माय 12th ईयर इन ऑप्शन ट्रेडिंग, कि कभी वाह, कभी कोई स्ट्रेटेजी एक नुआंस देता है कि आई एम लाइक यार ये मेरे मेरे को क्यों नहीं लगा पहले, राइट? राइट, अब सो इट्स स्ट्रेटेजीज आर डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड सिंपल बाय ऑप्शंस, राइट? एंड लेट्स फेस इट, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल हैव कैपिटल फॉर. तो अ लॉट ऑफ आवर यूजर्स सेड कि प्लीज आस्क योर एडवाइजर्स टू गिव मोर एंड मोर ट्रेड इन ऑप्शन बाय. ठीक तो है, नाउ वी हैड अ प्रॉब्लम, राइट? कि अपने को देखना था कि बॉस स्टैटिस्टिकली तो बोल रहा है कि ऑप्शन बाइंग में सबका पैसा जाता है बिकॉज वी जस्ट सॉ, राइट, टाइम वैल्यू वेक्स अप राइट इन द लॉन्ग रन. राइट, सो वी एक्चुअली डिड अ स्टडी ऑन ऑल द एडवाइस गिवन बाय ऑल द सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वी हैव कि आर पीपल प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन ट्रेडिंग. एंड सरप्राइजिंगली वी फाउंड आउट दैट देयर वर 5 एडवाइजर्स हु एवरेज्ड मोर देन 60%. वन ऑफ देम एवरेजिंग इवन वाओ 70% विन रेट इन ऑप्शन वाओ, ट्रेडिंग विद अ सैंपल साइज ऑफ रफली 200 ट्रेड टाइम. तो लोग कर रहे हैं. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, द एडवाइजर हु इज डूइंग दैट ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबली, दैट पर्सन इज एन एल्गो, आई वुडंट से एल्गो ट्रेडर, बट ही रन्स अ ह्यूरिस्टिक ऑन हिज मशीन व्हिच गिव्स द सिग्नल फॉर बाइंग. तो वो डिस्क्रिशनरी नहीं करता खुद का, सिस्टम बट ट्रेडर उसका है। एक सिस्टम है एंड दैट सिस्टम गेट्स इट राइट 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स. तो वाओ, अगर आप सिस्टमैटिकली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऐसा नहीं है कि आपका बाइंग में पैसा जाएगा, बट वही है कि देर आर सम थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, वोट हाउ मच टाइम वैल्यू आप पे कर रहे हो, क्या ऑप्शन खरीद रहे हो. आप दूर का ओटीएम तो, दूर का ओटीएम तो आप ट्रेड ही मत करो, क्योंकि धीरे 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 आपका पूरा कैपिटल ब्लीड होना ही है अगर आप ये चीज कर रहे हो तो, राइट? मतलब बिल्कुल यू कांट एस्केप इट, राइट? थिंक अबाउट इट, राइट। राइट? सो आई कम फ्रॉम केरला एंड इन केरला लॉटरीज आर वेरी पॉपुलर. Right? And I know there are families who go and buy a lottery every week. कि शायद कुछ हो जाए. But now the interesting thing is, right? There are some studies were done, sociological studies, newspapers and all brought out articles which said there are people in Kerala who have spent anywhere between 50K and 1 mil over a course of like a few years on lotteries, right? Oh, Now wow. that's a lot. I Wow. understand that they were spending that to make maybe 25 mil. But let's face it, right? That's also money. And if you had put it in a compounding SIP or something, maybe it would have become 5 lakh. राइट राइट So राइट if you are doing that small small option buying thinking कि इस बार हम लकी बनेंगे, वो एड अप नहीं करता. शायद आप में से एक दो लोग लकी हो भी जाए, राइट? बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू थिंक अबाउट इट दिस वे, राइट? इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस कि अगर आप जेई कर रहे हो, 0.5% सक्सेस रेट है, लेकिन जो 0.5% सक्सेस रेट है उसमें एक दो लोग मतलब तुक्का लगा के अंदर जाते भी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव केप्ट डूइंग द राइट थिंग व्हिच इज यू नो प्रॉपरली प्रिपेयर, एनालाइज योर ट्रेड सेटअप, टाइम वैल्यू कम करो, सिस्टम लगा के ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से करो, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन लास्ट थिंग इज देयर इज इंडीड अ वेरी गुड यूज केस फॉर ऑप्शन बाइंग, राइट? ओके, एंड दैट इज ब्रेकआउट्स. इफ देयर आर ठीक है, ब्रेकआउट्स हैपनिंग यू शुड नॉट. सो हियर द थिंग, राइट? तो वी सॉ दिस दैट if you are taking, so we looked at the Tata Motors example, we realized that this Tata Motors trade does not make sense if you are trading for, you know, that what's that, 1% move. बिल्कुल, But if you are thinking that there is a 3% move, then it absolutely makes sense to go for it with the buy option, right? Because if you are doing a 3% move, you can see that this option makes around 18,000 rupees, right? It's not bad at all. On a capital of what, 34,000, you are making 18,000. It's 50% return, right? But breakouts are not everyday occurrences. Stocks don't move 3% frequently, so करेक्ट, you have to be really, really sure, you know, that something big is coming. For example, this Nifty trade, right? Okay, 200-day moving average has broken. There is a resistance here. There is a what do you call this thing? A bullish, sorry, bearish बेरिश engulfing candle एंगल्फिंग। here. There is a support from option chain. Everything मिला के, it might just make sense to buy put option. At this point, if you bought a 17,000 put, I wouldn't blame you because it is very likely that something big is happening. Or let us say that this channel has broken, right? And now if you राइट, get a second entry somewhere around 1700, let's say. At that point, if you are buying put for a move to 16,300, I wouldn't call that wrong. But here's the important thing. If you are going to do that, then you have to make sure that you ride the whole thing. Don't buy an option and cash out at 20% interest. I mean 20% return, right? Because option buying में आप अगर तीन बार ये चीज करोगे, दो बार आपका तो loss होना ही है क्योंकि probability of profit. But on राइट, that one time you are getting it right, please make sure that you don't cash out early
थिंकिंग दैट अरे अगर वापस गया तो मेरा पैसा. यू हैव टू सी, यू डोंट हैव टू बी रियली ब्रेव टू सिट ऑन अ लूजिंग ट्रेड, यू हैव टू बी रियली ब्रेव टू सिट ऑन अ विनिंग ट्रेड. एंड एट दैट पॉइंट यू हैव टू बी ब्रेव एंड से बॉस यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू लेट दिस थिंग रन एंड आई एम गोइंग टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस बाय ऑप्शन आई हैव. इफ यू डू दैट एंड प्ले ब्रेकआउट स्ट्राइक, यू कैन मेक मनी. वाओ. सो या टू आंसर योर क्वेश्चन, माय आंसर इज दिस. You know, blanket answer saying option buying is bad, I don't think it's true. You have to take it in context and read it with that nuance. Amazing, amazing. So I had a couple of other questions, but I'll straight away ask you one last question, which I think makes more sense, although wasn't asked by the audience, but they are definitely people jo iske bare mein soch rahe honge. Any reliable book or such kind of resource which you would recommend people ki aap ye kitab padhiye, this help me out, ya options ko specifically agar samajhna hai, to some sort of recommendation, book, blog, so kuch bhi. Yeah, that's actually a good question. See, honestly, right, so all the option traders who worked with me and all the academics who taught me, they are going to hate me for this answer, but the reality is there is too much importance given to academic. Matlab, yeah, see, okay, I'll give you an interesting, so let me tell you a story, right? Because, so I can't name people because this person heads like an investment bank in Bombay these days. But there was a person who used to work in a bank I used to work in, who went to IIM Kozhikode, okay? And I know this guy because I worked in the same trading desk as he worked in one of the trading companies I worked in, okay? And the MD who hired him for that company, he was the same guy who hired me, and he always used to tell me his stories, right? Because for some reason he thought ki we had some same traits, and you know, I am also guilty of that because I have done some, you know, kafi kuch macha raha hai. But basically story was this, right? He was in IIM Kozhikode, and it was his final interview, and there was this, the two profiles they were thinking, right? And there was this college topper, and she was like very good at ACAD, she understood the entire maths, etc. And then there was apna hero, right? So hero was asked, what is the methodology to calculate value at risk, VAR, right? It's a risk management measure for some portfolio. And believe it or not, he actually told the MD of the, you know, that trading company, sir, ye VAR char sab bekar hai, आप बताओ क्या ट्रेड करना है, मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा. He actually said that, right? And I kid you not, right? He, in 2008, right, when Lehman Brothers collapsed. So we never know what is the exact amount of bonus a trader got in an investment bank, but the rumor base amount of how much he made in 2008 as bonus for himself, and it was around 5 crore. And mind you, 5 crore in 2008 is a lot of money. Now 5 crore is, because assets have inflated so much. Aajkal 5 crore, but 100 crore chuma one startup with a web page which right, will get right, us funding right, these right, days. Right. But in 2008, 5 crore is a huge money. And that too as a bonus. As a bonus, which means he must have made at least 50 to 100 crore for the bank in the crash. Amazing. Right. Now, usko VAR nahi aata tha. Usko, that was one character. I'll tell you another character. This is unbelievable. So ye aadmi again was my colleague. This person, his name was Rishi. I say it because he had told me, you can tell my story anyway. But this is a real story. So I was among the people who understood the maths and all very well in my desk, because you know, academic background order, right? So mere ko matlab agar koi aadmi mere ko ek portfolio dikhata hai Tuesday ko aur bolega yaar iska theta Friday tak kya hai, I used to, you know, number calculate it without a paper and deliver it. Ye aadmi was very different. He used to come like, you know, twice a week maybe he'll trade, but he'll take one random trade. I don't know if he completed college, but he was like a very, you know, chill person. And he shorted euro in 2011 at 1.44, okay, and then he covered it at 1.1. that's 33% movement in a currency. Janta se 33% in stocks nahi hota. Ye army made 33% on a currency. That too not a Turkish lira type currency. Euro ke upar 33% this army made. Okay. And as if this is not enough, side story, he also bought dollar at 45 and cashed out at 66. I know this because I was also trading dollar with him in the desk. And he, wo army, matlab, he made us look like idiots. Right, honestly, right? Every time I look at him, I used to think, yeah, why do I trade? I give him my own money, I tell him to trade for it, right? So this is what happened. He comes to me on Euro crisis day, when he exited this thing, and he asked me, and Euro crisis ka story everyone knows, right? Greece was
राइट बैक राइट बिहाइंड राइट ऑन डेट, ये यूरोजोन एक काम क्राइसिस है। हाँ ही कम्स टू मी एंड सेज, अच्छा ये यूरो ग्रीस की करेंसी है क्या? अरे बाप रे आई एम सिटिंग ऑन माय डेस्क, ओके आई एम सिटिंग ऑन माय डेस्क, कैसे दिस माय पीसी एंड आई जस्ट टर्न अराउंड एंड आई गेव हिम अ ब्लैंक ब्लैंक लुक, ओके आई मतलब मुझे पता नहीं क्या बोलना है, एंड लाइक हां या करेक्ट, ही लाइक अच्छा इसलिए गिरा, एंड लाइक डिड यू हैव शॉट, ही लाइक हां मैं 1.4 पे शॉट था, एंड आई एम लाइक ओके, सो इसलिए अच्छा तो ग्रीस यूरोप में है, आई एम लाइक हां अच्छा तो यूरो वहां पे भी चलता है, आई एम लाइक हां अच्छा इसलिए गिरा, आई एम लाइक या ये नो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग, वो आदमी ने सिर्फ चार्ट देखा, चार्ट पे काफी क्लियरली दिखा गिरने वाला था, ही डिड इट विद डिसिप्लिन, ही कैश डाउन। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, वाओ राइट, अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आई नो बिगिनर्स डू इकोनॉमिक एनालिसिस, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, एफओएमसी पावल ये बोला, बिडेन ने ये किया, इंटरेस्ट रेट वर्सेस इन्फ्लेशन, या क्यों करोगे यार ये सब, मतलब क्या बकवास चीज है यार, कि आपको क्यों लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा चीज आप एनालिसिस करके निकाल दोगे जो गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली, मेरिल लिंच, बैंक ऑफ अमेरिका, बारक्लेस, स्टैनसी, रेनेसांस, इन सब लोगों ने मिस कर दिया और सिर्फ आपको चमका, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? और जो चीज वो लोग कर रहे हैं वो आपको ऑप्शन चेन पे साफ साफ दिख रहा है, राइट, और चार्ट पे दिख रहा है, तो आपको क्यों दिमाग लगाना है? आपके चार्ट पे बड़ा सा फॉर्मेशन दिख गया, आप अज्यूम वाह करो अच्छा कोई बंदा हार्वर्ड IIM टाइप्स का गोल्डमैन के अंदर बैठा है जिसने एनालिसिस करके ये चार्ट बनाया है, तो मेरे को सिर्फ ये चार्ट पे देखना है कि उसने क्या किया, अच्छा बड़ा कैंडल दिख रहा है विद वॉल्यूम, वो कुछ कर रहा है, चलो मैं भी घुस जाता हूँ, राइट, एंड ही यूज्ड टू डू जस्ट दिस, राइट, सो पीपल, सो माय प्रॉब्लम इज दैट सो मेनी पीपल स्पेंड सो मच अननेसेसरी टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक थिंग्स, लाइक ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स कैसे निकालते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु सेंड अस सपोर्ट मेल सेइंग नहीं नहीं दिस आईवी शुड बी प्राइस्ड ऑफ इंटरेस्ट रेट 6% एंड नॉट 4.5, लाइक यार क्यों, क्या फर्क पड़ता है यार, आपको डायरेक्शन गेस करना है ना, कि मतलब ये डेल्टा 0.585 या 0.43, आप मतलब आप डायरेक्शन गेस करोगे कुछ मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता डेल्टा क्या है, ठीक है, तो इफ यू आर अ ट्रेडर, राइट, प्लीज डोंट गो स्पेंड टू मच टाइम, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मी, राइट, एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस द आयरनी इज, राइट, लाइक आई यूज्ड टू रन थर्ड डिग्री इक्वेशंस ऑन ऑप्शन कैलकुलेटर्स इन कॉलेज एंड इन माय वर्क वर्क एक्सपीरियंस, राइट, वी यूज्ड टू ट्रेड एक्सोटिक ऑप्शंस, आई यूज्ड टू डू ऑल दैट मैथ, बट अंदर ही अंदर मेरे को मतलब दर्द होता था कि आई एम लाइक यार मैं इतना सब कुछ मैथ्स जानता हूँ, लेकिन ऋषि शर्मा ने 1.4 पे यूरो शॉर्ट किया और उसने 30% 30x लेवरेज पे छापा, मैं सिर्फ मैथ्स विदाउट इवन करके बैठा नोइंग हूँ, कि यूरो की विदाउट नोइंग कि चल क्या रहा करेंसी है, और मैं सिर्फ मैथ्स करके बैठा हूँ, मेरा पूरा लाइफ वेस्ट है, ठीक है, और मैं मुझे अंदर से बहुत फील आता था, ठीक है, ये चीज कि क्या पॉइंट है, तो मैं फिर से फिर क्या हुआ, मैं भी ये चीज करने लगा, फिर मैं डॉलर लॉन्ग गया, फिर मेरे साथ भी हुआ कि मैं एक बार डॉलर लॉन्ग किया 46 पे एंड मैंने कुछ एग्जिट किया 51 पे, फिर माय बॉस ही आल्सो कम्स टू मी एंड ही सॉ माय ट्रेड 5 रुपीज ऑन डॉलर, ही इज लाइक वेरी इंप्रेस्ड, ही इज लाइक अच्छा एक बात बता, तेरे को पता है यूएस का और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना है? आई एम लाइक नहीं, लाइक अच्छा लास्ट वीक आरबीआई का डेटा आया था एफएक्स रिजर्व पता है? आई एम लाइक नहीं, अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट पता है इंडिया का? आई एम लाइक नहीं, तू ट्रेड क्या करता है? आई लाइक डॉलर रुपी, शाबाश मेरे लाल, दिस इज डू नाउ यू हैव बिकम अ रियल ट्रेडर, आई एम लाइक यस आई हैव बिकम अ रियल सो सो ट्रेडर, बेसिकली यू यू वैलिडेटेड टू पॉइंट्स, एक तो भाव भगवान छे एंड द सेकंड वन दैट्स इज इट, एवरीथिंग एल्स इज नॉइज इफ यू जस्ट नीड टू लुक एवरीथिंग इन एल्स टू इज नॉइज, चार्ट ऑप्शंस इन दैट सेट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 17,000 कॉल है वो और प्राइस भागा 17,200 विद 5 days to go to expiry, आपका कितना प्रॉफिट बनेगा, ये तो आपको जानना ही है, ठीक है, ये तो आपको पता होना ही है, लेकिन आपके इसके लिए आपको कुछ मैथ्स वैथ्स मतलब IIM की डिग्री नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक कैलकुलेटर चाहिए और सेंसिबल हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन कैलकुलेटर आपको फ्री में इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कोई भी देख लो चल जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको दिमाग इस चीज पे लगाना है कि डायरेक्शन क्या है, आपको दिमाग इस चीज पे लगाना है कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस होल्ड करेगा, आपको दिमाग इस चीज पे लगाना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, किस लेवल पे आप बिना डर के डिसीजन ले सकते हो, किस लेवल पे आपका साइकोलॉजी खराब होगा, मतलब आप अपना पूरा टाइम ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ के या कुछ ऑप्शन मैथमेटिक्स पढ़ के, ब्लैक स्वान्स पढ़ के आप बर्बाद कर रहे हो, मतलब पॉइंट नहीं है, अगर ये सब सही होता
तो अ लॉट ऑफ रियली ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस वुड हैव बीन एक्सट्रीमली रिच पीपल चिलिंग इन यॉट्स राइट, बट दे आर नॉट चिलिंग इन यॉट्स, व्हिच मींस दैट यू नो ऋषि शर्मा माइट बी चिलिंग इन यॉट्स. सो एंड आई सी नो सी द थिंग इज दैट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. आई डोंट थिंक यू टेक इट रॉन्ग इफ आई से दिस. आई एम विलिंग टू बेट माय लास्ट डॉलर दैट ही डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट ब्लैक होल्स, बट ही इज अ जीनियस राइट. वाओ एंड दैट इज दैट राइट. एंड ही ट्रेड्स ऑप्शंस. देयर इज नो नीड टू नो ब्लैक होल्स, देयर इज नो नीड टू डू ग्रीक्स. इफ समबडी सेज दैट यू नो चलो लेट अस डू डेल्टा गामा ये सब पढ़ाता हूं आपको, यार छोड़ दो यार ये सब मत करो. इफ समबडी सेज आई टीच यू प्राइस एक्शन एंड डायरेक्शन, गो टू दैट मैन, अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, यू विल मेक मनी. सो माय आंसर टू योर क्वेश्चन व्हाट शुड आई रीड टू अंडरस्टैंड ऑप्शन, ये सब मतलब टाइम बर्बाद मत करो, सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ो. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इवन आई गेस फ्यू डेज बैक इटसेल्फ मैंने अपने चैनल पे यही कहा था कि मैंने सिर्फ थोड़ा चार्ट का ऐसा ऐसा करके बताया और हो गया. तो बोले बस हो गया. मैंने बोला बेसिकली ट्रेडिंग इज सिंपल है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है इट्स ऑल सिंपलिसिटी, इट्स जस्ट दैट कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स मार्केट होता है. करेक्ट. तो इसी चक्कर में एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड. समबडी समबडी टेल्स यू थिंग्स दैट यू डोंट फंडामेंटली अंडरस्टैंड राइट, तो आपको लगेगा यार और इसमें कुछ है जिससे मतलब पैसा बनेगा. नहीं, काफी सिंपल है. सी डू थ्री थिंग्स, लुक एट चार्ट्स, लुक एट ऑप्शन चेन, मे बी लुक एट एफआई डेटा, बट डू इट वेल एंड देन डोंट यू नो डू सम साइड एनालिसिस ऑफ योर्स. Stick to this process, get it right 7 out of 10 times, don't do maths and all, you'll make money. अमेजिंग अमेजिंग आविद. वैसे अपन कन्वर्सेशन करेंगे तो कभी एंड होगा नहीं, बट टुडे यू हैव गिवन सो मच टू आवर ऑडियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. वेरी 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 हैप्पी टू डू दैट एपिसोड, हैप्पी टू बी ऑन दिस चैनल. वैसे मैं कुछ शो करता हूँ, लोग ज्यादा देखते नहीं है तो आपके. नहीं 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 इस बार इस बार. एंड गाइस एज आई सेड आविद ओपी, इन केस यू लाइक्ड एनीथिंग एंड इन फैक्ट इफ यू वॉन्ट दैट आविद के साथ हम वापस कुछ ऐसा कन्वर्सेशन जल्द से जल्द करें, तो लेट्स पुट अप सम टारगेट. आई एम नॉट सो श्योर कि हुए ना हुए, लेट्स पुट अप एटलीस्ट 15,000 लाइक्स ऑन दिस थिंग. अगर नहीं हुए तो आविद पे ब्लेम डाल दूंगा, अगर हो गए तो खुद क्रेडिट ले जाऊंगा. 15,000 लाइक्स, द ओनली पर्सन आई नो हु गेट्स 15,000 लाइक्स इज माय डॉग ऑन इंस्टाग्राम. नो नो आवर चैनल गेट्स अपना हाईएस्ट आई गेस किसी वीडियो पे 32,000 या 33,000. सो वी हैव, सो लेट्स ट्राई आउट आवर लक. एंड में बोल रहे हैं बट गाइज आई एम ऑन अ सीरियस नोट, आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड हाँ, सेंसिबल का लिंक तो मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेकआउट. और वो ऑफर अपने इसमें ही चल रहा है. एंड मोर ओवर वंस अगेन थैंक यू सो मच आविद, आपने इतना सारा आपका शेयर किया. एंड लिटरली आई टेल यू बिकॉज मैं जाने से पहले आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर somehow with my colleagues, my friends, because trader community में एक दूसरे से बात करके हमको पता लगता है. So I got to know कि some traders in their expensive trainings, I'm not against expensive trainings, but I'm just telling you कि जो 70,000-80,000 1,00,000 का जो training चल रहा है उस पर क्या सिखाया जाता है. Literally you have given more than those things in this episode. So thank you so much Avid for doing no problem at all. Always happy to give back something to trading community, because if trading community thrives and makes money, we'll have a business. So yeah, that's a win-win situation for all of no, us. No trade, no traders, no sensible. So yeah, so guys trade करते रहिए ताकि सबका सब कुछ अच्छा चलता रहे. And once again, and अगर कुछ भी पसंद आया इस वीडियो पे तो लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इन सारी चीजों पे. And I'll definitely come up with more interesting conversations like this. Till then, keep learning, keep growing, keep investing and keep trading.